अस्सलामुअलैकुम तला की यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है बहुत ही मज़ेदार सी दम चिकन हम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए किचन में चलते हैं और जानते हैं कि ये दम चिकन कैसे बनती है। अच्छा जी, जो दम चिकन हम बना रहे हैं आपके लिए, उसके लिए सबसे पहले जो है वो ये एक चिकन है, पूरी होल चिकन है, उसके जो है वो कढ़ाई पीसेस करा लिए 12 से 14। आप जो है वो बड़े पीसेस ही रखिएगा इसके लिए तो अच्छा रहता है। साथ ही में जो है वो आप सबसे पहले इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून, ये हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें, और 2 टेबल स्पून जो है वो पपीते का पेस्ट है, ये पपाया पेस्ट भी इसके अंदर शामिल हो रहा है। सबसे पहले जो है वो ये चिकन पे हम ये दोनों चीज़ें लगा के अच्छे से इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चलें जी, अब इसमें जो है वो मसाले शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले ये भुने हुए कुटे हुए मसाले हैं हमारे पास, ये धनिया शामिल हो रहा है भुना हुआ कुटा हुआ, ये तकरीबन इसके अंदर 2 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया शामिल हो गया। अब साथ ही में ये भुना हुआ कुटा हुआ जीरा है, ये शामिल हो रहा है, ये भी 2 टीस्पून शामिल कर दिया। ये जो है वो कुटी हुई काली मिर्चें हैं, ये 1/2 टीस्पून शामिल कर दी, और ये कुटी हुई लाल मिर्च है या दरा मिर्च, ये जो है वो 2 टीस्पून शामिल कर दी। साथ ही में जो है वो इसमें हल्दी पाउडर शामिल हो रहा है 1/4 टीस्पून, और ये रेड चिली पाउडर है, ये रेड चिली पाउडर इसमें 1.5 टीस्पून के करीब शामिल कर दिया। साथ ही में देगी लाल मिर्च इसके अंदर, ये देगी लाल मिर्च भी 1.5 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर दिया। नमक जायके के मुताबिक, अब ये जो है वो इसके अंदर गरम मसाला पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून हमने शामिल कर दिया, ठीक है। अब लास्ट में जो है वो इसके अंदर ये 1/4 कप जो है वो दही है, ये दही भी फिटी हुई दही है, ये फिटी हुई दही इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसी वक्त हम इसमें फ्राई अनियन को भी क्रश करके मिला सकते हैं, मैंने अभी बनाई नहीं थी तो इसलिए मैं जब इसको चढ़ाऊँगी उसी वक्त जो है प्याज को फ्राई करके और इसमें मिक्स कर दूँगी। इसी में फिर हम ये डाल देंगे मसाले चिकन पूरी, और फिर एंड में पकने के बाद कोयले का धुआँ लगाना होगा इसको, ठीक है। अब इसको अच्छे से इन मसालों और ये दही के मिक्सचर और साथ ही में अदरक लहसुन और पपीते का पेस्ट इसके साथ हम ओवरनाइट इसको मैरिनेट कर देंगे, और इंशाल्लाह सुबह जो है वो हम इसको कुक करेंगे। तो बहुत अच्छी थी जो है वो हमारी चिकन, बहुत टेंडर भी हो जाएगी और इसके अंदर जो है वो सारे फ्लेवर्स अंदर तक चले जाएंगे। अच्छा जी, तो अब ये दम चिकन के लिए जो है वो एक प्याज ब्राउन कर ली, और ये रात की मैरिनेटेड चिकन है वो अब इसमें शामिल करेंगे। ये देख लें, इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया है। अब जो है वो उसमें प्याज डाल के पहले ब्राउन की थी और उसके बाद ये चिकन शामिल कर दी, थोड़ा सा इसको बस मिक्स कर लिया। अब इसको हम दम पे छोड़ देंगे और आराम से जो है वो चिकन, क्योंकि पूरी रात की मैरिनेटेड है तो बहुत जल्दी वो गल जाएगी, थोड़ा सा बस इसका जो है वो दही अपना पानी वानी छोड़ेगी, वो ड्राई होता है, फिर हम आपको उसका फाइनल लुक दिखाते हैं। अब इसमें जो है वो ये कोयला रख दिया, और इसमें जो है वो कोयले का ये धुआँ देंगे। बिल्कुल हमारी चिकन तैयार है, बिल्कुल टेंडर हो गई थी, अब ये कोयले का धुआँ देंगे, उसके बाद मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो ये है जनाब हमारी ज़बरदस्ती दम चिकन का फाइनल लुक जी। तो उम्मीद है कि अब आपने सारी रेसिपी जो है वो देख ली होगी, और आपको ये दम चिकन की रेसिपी बहुत ही आसान और सिंपल लगी होगी। ये बनाने में बहुत ही आसान और सादा है, और खाने में बहुत ही लजीज और मज़ेदार। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कॉमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आऊँगा एक बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए तलहा को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के मान।